गुड मॉर्निंग क्लास रिदीपचंद चौधरी महाविद्यालय से मैं आपके सामने बीएसआरडी में हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। तो आप तीन क्लासेस से हम लोग कई सारे सिद्धांत देख चुके हैं, ठीक है, 6 से 7 सिद्धांत हो चुके हैं और ज़्यादा ही हो चुके हैं। अभी लास्ट सिद्धांत बचे हैं, बस ये आखिरी है, इसके बाद यहाँ हमारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन में थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पूरा जो है समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लोगों की थ्योरी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है सामाजिक सूचना संचालन सिद्धांत। ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नहीं है, ये जनरल सिद्धांत है, इसमें कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सम्मिलित है, इसीलिए एक सिद्धांत के रूप में इसको वर्णित कर दिया। तो सामाजिक सूचना संचालन सिद्धांत का मतलब होता है समाज के बारे में जो भी सूचनाएं व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से जब प्राप्त होती हैं, तो उन माध्यम जो माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब है यदि व्यक्ति मान लीजिए किसी भी मशीन वगैरह का प्रयोग करके सूचना को एकत्रित करता है, तो व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा स्तर जो है बहुत ही अधिक है, ठीक, क्योंकि वो समाज के बारे में कई सारी सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम का प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा का मतलब होता है उम्मीद, यानी कि अपन की एक तरीके से कहीं ना कहीं अपन उस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, है ना, कि ये चीज़ हो जाए, काश हो जाए, ऐसा मिल जाए। एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना वर्ड है, प्रत्याशा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें इतना ये चाहिए, ठीक है, इतना ठीक है, तो उसे एक्सपेक्टेशन को ही प्रत्याशा सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड यहाँ पे बहुत मेन है। पहला है एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम लोग एफर्ट कहते हैं। एफर्ट मतलब हमारी कोशिश, यानी कि अगर हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाती, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एफर्ट। विदाउट एफर्ट वो चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगी। सेकेंड इज दैट इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी कि कुछ अब एक चीज़ का किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, है ना, कोई काम तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए, तो अब हमें फिर परफॉर्मेंस भी तो करनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस जो होता है वो सेकेंड पॉइंट है, ठीक। परफॉर्मेंस जिसका सहारा लेके कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। लास्ट हमारा, अब हमने देखो एफर्ट भी कर लिया, परफॉर्मेंस भी हमने दे दिया, अगर परफॉर्मेंस देंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, बनी बात है। तो रिवॉर्ड ही हमारा बैलेंस कहलाता है। बैलेंस मतलब एक तरीके से अब संतुलन में आ जाएंगी चीज़ें, यानी कि जो हमने जितना दिया था अब उसका रिटर्न फीडबैक हमें क्या मिलेगा, वो चाहे पनिशमेंट मिले या रिवॉर्ड, बात वही है। तो बैलेंस दोनों ही चीज़ों को बोलते हैं। तो जो रिवॉर्ड होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो हमने उम्मीद की थी, जो एक्सपेक्टेशन की थी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमने वर्क भी किया है, हमने जो उसमें वर्क लगना चाहिए था, परफॉर्मेंस उसमें चाहिए था, हमने वो किया है, अब उसके अनुसार हमें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहलाती है। नेक्स्ट है पोर्टर लोटर का अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट दिए, पोर्टर ने, इन्होंने 3 पॉइंट के आधार पर मोटिवेशन को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट इज निष्पादन। निष्पादन का मतलब कि आपने कितना कार्य किया, क्या सोचा था और हुआ क्या, कितना सोचा, दिया कितना, ये होता है निष्पादन, यानी कि परफॉर्मेंस देना, ठीक। निष्पादन की, अब निष्पादन करोगे तो निष्पादन करने के बाद आपको आपका फीडबैक मिलेगा, ठीक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक है रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड से अगर आप खुश हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, और अगर आप रिवॉर्ड से खुश नहीं हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक। तो निष्पादन, पुरस्कार और संतुष्टि, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे के आधार पर ही इनमें वर्क होता है। तो पहले निष्पादन, फिर पुरस्कार, उसके बाद संतुष्टि, ठीक। लास्ट पॉइंट है, लास्ट हमारी थ्योरी है एडम की। एडम ने इक्विटी थ्योरी की बात की थी, ठीक है। इक्विटी थ्योरी को हम लोग हिंदी में साम्य सिद्धांत बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि चीजें बराबर बराबर होना, यानी इन्होंने कहा है, देखो आपको यहाँ पे एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस चित्र में क्या है, इनका कहना ये है कि अगर मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, अगर आप वर्क एफर्ट ज्यादा करते हो, यानी कि आप ऊपर ले जाओगे वर्क एफर्ट को, ठीक, इनपुट आप ज्यादा दे रहे हो, ठीक, तो आपका जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, यानी कि रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा मिलेगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, है ना। और अगर आप कम एफर्ट दोगे, मान लो नीचे की तरफ है आपका वर्क एफर्ट, इनपुट आपका कम जा रहा है, तो आपको रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा, ठीक। तो रिवॉर्ड यानी कि आउटपुट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा,
मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्लियर है क्या, कितना एफर्ट देंगे आप, कितना आपको वर्क में रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, कोई डाउट का बताइएगा। थैंक यू।